पता है, आज हपुआ ने ऐसी बात की ना, हमारा मन भरा। मुझे पता है, भर भर के बहू की चुगली की होगी। जी नहीं, हपुआ ने ना हमारे हाथ के बने पराठे याद करे। अब तो को तो पता ही है कि बहू कितने मरियल बिना घी के पराठे बनाती है। हाय, हमारा लाल मन मार के खा ले तो है। वो मरियल पराठे खाने के बाद भी उसकी गोलाई में कोई फर्क नहीं पड़ा है। नजर ना लगाओ हमारे लाल को। मेरे नजर लगाने से क्या फर्क पड़ता है, उसकी तोन थोड़ी ना कम होने वाली है। देखो, हमने ठान लियो है कि कल हम अपने हपुआ को अपने हाथ के बने पराठे खिलाएंगे, जैसे बचपन में खिलाते थे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। काय ना करे, तुम रहने दो ना कट्टो, बहू अपने आप खिला देगी। तुम्हें कहा तकलीफ हो रही है। अरे तकलीफ मुझे नहीं, हप्पू को हो सकती है ना। का मतलब, हम अच्छे पराठे ना बनाते हैंगे? अरे कट्टू, तुम्हारे हाथ के पराठे का तो कोई जवाब ही नहीं है, इतना लाजवाब बनाती हो। इसलिए कह रहा हूँ कि एक खाने से तो मन भरता नहीं है, अब हप्पू 10-12 खा लेगा। तो कहा हम बहू की तरह बेकार बिना घी के तेल में सिके पराठे बनाए? वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको तेल के पराठे खाने की आदत है, तुम घी के पराठे खिलाओगे, हो सकता है उसका पेट खराब हो जाए। पेट खराब? तुम काय बात को बतंगड़ बना रहे हो, हमें समझ ही ना आ रहा हुआ। अरे बतंगड़ नहीं बना रहा हूँ, अगले को काम पे जाना होता है, नौकरी करनी पड़ती है, अगर पेट खराब हो गया तो कमजोरी आ जाएगी ना। रहन दो, तुम काय माँ बेटे के प्यार के बीच कूद रहे हो, बताओ। अरे कट्टो, तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारा प्यार हप्पू को बहुत महंगा पड़ सकता है। दो, हमें सब समझ आ रहे हो, तुम ना जल भुन के भुट्टा हो रहे हो, खुद तो खा ना सकते हो पराठे, हपुआ भी ना खाए। क्या बात भाई, तुम क्यों जिद कर रही हो इतना? जिद पकड़ ली तो पकड़ ली, और तुम बीच में बोले ना तो समझ लो तुम आए नींबू। चलो हटो। हप्पू मेरी बात मान, मत खाइए पराठे, पेट खराब हो जाएगा। अरे मेरा बरसों का तजुर्बा है, बता रहा हूँ मत खा। अरे कब से समझा रहा हूँ, सुनता क्यों नहीं मेरी बात, एक बार सुन ले, मत खा, सुन। तुम भी हमारी एक बात सुन लो। का सुना रहे हो, बकवास सुनाने की जरूरत नहीं, चुपचाप उठे जाके बैठो। अरे जाओ दे। अम्मा डोकर तो यहीं का? हाँ हाँ, इतने ही हैंगे। दूर से देख रहे हैं पराठों को। ले डोकर, हमारा तो मैं नमस्कार है, जहाँ हो। हाँ जीता रहे, और मत खा पराठा। ये ले बेटा, खास बात बात खूब खा, मजा आ गया। कसम से कह रहे हैं, तो लग रहा हूँ आत्मा तृप्त हो गई, जाको कहते हैं असली पराठा, मजा आ गया। नहीं वैसे जो भी अच्छो बनाती है पराठ, लेकिन तुम्हारी तनक बात ये लागे। ओ अन्नपूर्णा कट्टो देवी, मैं कह रहा हूँ मत खिलाओ, मत खिलाओ, हप्पू का पेट खराब हो जाएगा। तुम फिर बीच में बोले, चुपचाप बैठो तो। हाँ भाऊ, अम्मा डूकर का बोल रहे, ज्यादा ही हुल हुला रहे, खुद तो खा ना सकते। हाँ। तो दूसरों को भी ना देखा जा रहा है कि तुम लोग पराठे खा रहे हो, वो भी हमारे हाथ के बने। अम्मा डूकर से जो कह दू कि जो पराठू ना है, जो पराठे में लपटू बहुत तुम्हारा आशीर्वाद है, हैं? और जहाँ में ज्यादा घी तेल ना है, बल्कि तुम्हारे दुलार को मतलब दुलार चिपको है, लपेटो भाव है दुलार। बिल्कुल भारी ना है। सुन लियो हमारे हपुआ के विचार, इसे है हमारे पराठों की कदर। तो काई ना होगी कदर अम्मा, हैं? बचपन से तुम इतने लाड़ प्यार से हमें खिला रही, यही पराठो तो हमारे शरीर में तन में मन में लगतो है। अरे कटोरी मलाइका बहू, तुम दोनों बस चुपचाप ठूसे जा रहे, तीनों कछु बोलना रहे, पराठे सही ना लग रहे। दादी इतने स्वाद बने कि मेरा सच में मन ही ना भर रहा खा खा के। You know what, grandmother? This is very, very, very different type of paratha. Meaning, me thinking that you're not only putting aloo in this, you're putting your love also.
देख बिटिया, हमें लग रहा हो कि तू हमारी तारीफ कर रही है। अरे ऐसी भाषा में बोल दे ताकि हमें भी समझ आ जाए, खुश हो जाए हम। अरे मेरी प्यारी दादी, मैं ये बोल रही हूँ कि पराठे में ना आपने सिर्फ आलू ही नहीं अपना प्यार भी ठूसा, इसलिए ज्यादा टेस्टी लग रहा है। हाँ अम्मा, मतलब इतो अच्छो तुमने पराठा बनाओ है, हम जो कह रहे हैं अम्मा अब से पराठा तुम्हें ही बनाओ, हमारे हाथन में अम्मा जे स्वाद नहीं आ। कहे बेटा काम चोर कहीं की। का कहो अम्मा? अरे बहू, हमारी तो उम्र बीत गई। हाँ। हमने हपुआ को खिला के पिला के तो बड़ा कर दो, अब तेरो टाइम है, तू पका के खिला अपने बच्चन को। हाँ हाँ, हम भी बीच बीच में कभी अपने हपुआ को वही टेस्ट को याद दिलाते रहेंगे। हाँ। ले हपुआ एक और। अरे 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 खाना। अरे अम्मा कदम से कह रहे अब ना दियो, कहे के पेट भर गो रहा हूँ, मन ना भरू, लेकिन मन कह रहा हुआ कि खाती जाओ खाती जाओ। ओ कटोरानी, अरे क्यों हप्पू की तबीयत खराब करने पर तुली हुई हो, मत खिला उसे। देखो तुम और बोले ना तो हम सच कह रहे, तुम्हारी नींबू निचोड़ देंगे हम। निचोड़ ले मगर उसको मत खिला। के दादी क्यों बिना बात में दादाजी को हड़कारी से? अरे का करे, जो है इसी के लायक सुनते नहीं, खुद तो खाना पा रहे और तुम्हें खाने से देख के जल रहे। अब बताओ का करें ऐसे आदमी को, चुप आ जाओ। अम्मा यही बात पे दो पराठे अब और दे दियूं, काय से कल से तो फिर रज्जू की हाथ की खाने को मिलेंगे ना। ले दो का तीन खा ले। मरेगा ये, जरूर मरेगा आज। बाडूबा, यस यस यस, बाडूबा। ब्रो भगवान ने तो बिल्कुल हमको सिग्नल दे ही दिया है कि पापा एकदम फेमस होने वाले हैं। हाँ, लेकिन मुझको पता क्या लगता है कि उल्टे काम करके पापा फेमस होंगे, ऐसी संभाव्यता बहुत ज्यादा है, चांस है। हाँ यार, अगर पापा को किसी ने निछावर लेते हुए पकड़ लिया तो फिर क्या होगा? ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाएगी यार। अच्छा अच्छा, तुम लोग ना एक नंबर के गधे हो। हम लोगों ने क्या मांगा है कि पापा मशहूर हो जाए, उनके चर्चे हो जगह जगह पे, हमने यही सोच के मन्नत मांगी है ना, तो वैसा ही होने दो ना, उल्टा सीधा क्यों सोच रहे हो? चिल्लाते हो रहे गधे हैं दोनों के दोनों। अच्छा तुमको पता है हमारे रिसेस ओवर हो चुका है? पता है। क्या गप्पे मार रहे हो, चलो क्लास में। हाँ जा रहे, चलो चलो उठो उठो जल्दी उठो। अब बस एक बात का इंतजार है कि भगवान हमारे पापा को जल्दी से बहुत फेमस करते हैं। हाँ ऋतिक यार, मैंने अपने पड़ोसी से भी तेरे पापा के बारे में पूछा, एंड गेस व्हाट, वो भी तेरे पापा को नहीं जानते। तो दो तीन दिन रुक बस, उसके बाद देख मेरे पापा एक झटके में फेमस हो जाएंगे और पूरे कानपुर में वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे। हाँ नहीं, कानपुर में वर्ल्ड फेमस। अच्छा इस बात की क्या गारंटी है? गारंटी? ये गारंटी के बारे में पूछ रहा है। टिल्लू तू ना हमारे पापा को नहीं जानता है, हमारे पापा बहुत शातिर, बहुत स्मार्ट और बहुत ही बहादुर दरोगा है। उनकी खूबियां ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकते। सही बात, बिल्कुल सही कहा। और तुझे पता है उनका पूरा जो वो लॉ एंड ऑर्डर का पूरा जो सिस्टम होता है ना, पूरा उन्होंने मेंटेन करके रखा है, इधर सब वही संभालते हैं। वो बताओ है, पूरी बोतल अकेले खाली करने में उनको बहुत बड़ा योगदान है। क्या, क्या? तुम्हारे ही पापा है तो तुम तो तारीफ करोगे। लेकिन बात तो तब है ना कि ये बात कोई और बोले, तुम्हारे सिवाय तुम्हारे पापा को और कोई नहीं जानता। अच्छा ओके बाय। ये टीयू का बच्चा अपने को क्या समझता है? वो फूल दिया है ना पापा को, अब देखना सब सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, अभी भी टाइम पास चल रहा है, क्लास में चलो। हाँ सर जा रहे, चलो। बाय सर।
सोमलाल तो ये है, ये धूमल है और अभी नया नया जो जर्नलिज्म का कोर्स वोर्स कम्प्लीट करके बहुत बढ़िया पढ़ाई लिखाई करके पास आउट हुए हैं। और सोचो मतलब इनका भी सौभाग्य है कि सबसे पहला इंटरव्यू जो है तुम्हारा मतलब अप्पू सिंह दरोगा का आप लेने जा रहे हैं। नाम का बताओ। धूमल। हाय हाय धूमल, धूमल हाय। हेलो सर, माइसेल्फ धूमल सर, आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेक योर इंटरव्यू सर, आई एम सो ग्लैड सर, ओह माय गॉश, दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू सर। कैट की जात वालू लग रहा हूं। कुछ कहा आपने सर? नहीं नहीं, हमने कही बहुत बढ़िया, तुम आओ, जोश देख के हमें खुशी भाई, हमें खुशी भाई, तुम करो इंटरव्यू करो, हम आओ। तो अप्पू सिंह जी, मेरा पहला सवाल ये है कि आपका पहला दिन एज अ दरोगा कैसा रहा? पहला दिन गुड। पहला दिन हमें आज भी याद है, लल्लन नाम को एक मासूम लौंडा, आंखन में उम्मीद, हाथ में समोसा लेके हमारे पास आओ चल के, बड़ो लटको बहु अटको बहु की सतु बाकू, तो वो उम्मीदें लेके हमारे पास आओ। वाओ सर, दैट्स ग्रेट। तो क्या आपने उसका केस सॉल्व कर दिया? तुरंत हमने चटकारा लेके समोसा खाओ और बाकू जो ठेला को लाइसेंस अप्रूव कर दो। केस क्या था सर? जोन वो को समोसा को जो ठेला तू ना वो इलीगल है, तो हमने वाको लीगल कर दो। वो बात अलग है कि साथ में हमने 20,000 रुपया की न्योछावर खाई। ओके, लेकिन जो तुम्हें यहाँ बता रहे जो लिखने नहीं है कि हमने न्योछावर खाई, कछु चीजें पर्सनल भी ना कैसी थी। ये तो आपके छोटे मोटे केसेस रहे होंगे, आपने बड़े केसेस कितने सॉल्व किए सर? बड़े हमने जब भी करे बड़े ही करे, वो बात अलग है कि हमने गिनी नहीं है, लेकिन केस तो हमारे पास बड़े ही बड़े आई, यही खिलाने हम जाने जाते हैं। काहे दरोगा साहब, काहे को झूठ बोल रहा है? आपको आज तक जितने भी केस मिले ना, एक भी पूरा नहीं हुआ, सब अधर में लटके। लो बेनी भैया, पान खाओ। कोई बात नहीं सर, आप ये बता दीजिए कि आज तक आपने कितने अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ा है? लो, बहुत बढ़िया, गुड 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 क्वेश्चन। पिछली होली में हमारे पास बहुत सारी लिस्ट थी, हम सीधे आओ देखो ना ताओ, काशे हम आओ ना देखते ना ताओ, पहुंचे तो काशे उनके चेहरा रंगे भाई आते, साले रंगे श्यार की तरह घूम रहे थे, हमने दर्द बोचो लेकिन चेहरा ना देख पाए, होली को देना तू ना। एक मिनट, अरे यार सोमूलाल, तुम ये सब छोटी मोटी बातें, कोई बड़ा किस्सा बता, मतलब जैसे राका को कैसे पकड़ा, दर्रा पहलवान, हाँ वही सब वो बताओ। अच्छा, लेकिन बेनी भैया, राका तो एन वक्त पे भाग गया तो ना, और जाते जाते दरोगा जी के मुंह पे कालक पोत गया तो, कालक ना पोत गया तो बदना होली अति गुलाल लगा गया तो, गुलाल नहीं मिलो, कलरफुल नहीं मिलो, कालो रंग को गुलाल पोत गया, तुम सारे पान लगाओ, नहीं तो हम तुम्हारा चूना और कत्ता सब फैला देंगे और जब ताल तमड़िए सारे उठवा के फेंकवा देंगे। होली को त्योहार है तो बने गुलाल लगाओ। तुम ऐसे कैसे सवाल पूछो, हल्के फुल्के पतले से, पर भारी भारी सवाल पूछो, कैसे जर्नलिस्ट हो, ताकि मतलब इसके बारे में जब छपे दरोगा अप्पू सिंह के बारे में तो लोग पढ़े तो ये वर्ल्ड फेमस हो जाए मोहल्ले में पूरे। रियली बेनी जी, क्या सवाल पूछू मैं इनसे कि आप सुबह उठकर क्या करते हैं? उसका भी जवाब यही मिलेगा कि सुबह उठकर ये चाय पीते होंगे, फिर प्रेशर बनता होगा, फिर पराठे ठूसते होंगे और पराठे ठूसकर पुलिस स्टेशन जाते होंगे और वहां पर समोसे ठूसते होंगे। ये छापू मैं? असल में लौंडा तुम्हारी गलती ना है, नहीं नवेले हो ना तुम, अभी तुम तनक सीनियर से कैसे सवाल, तुम्हें सलीका नहीं पता, कोई बात नहीं सीखोगे, एक्सपीरियंस सबसे काते हुए जिंदगी में। ठीक है ना, मैं नया हूं ना, तो आप किसी एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट को बुला लीजिए, मैं नहीं ले रहा इंटरव्यू। का मतलब घूर कह रहे हो, हमारी तरफ ऐसे क्यों घूर रहे हो, हैं? तुमने तम सारे तुम्हें लेके आई ना जो लौंडा। सुनो, ऐसा है, जीवन में निछावर खाने के अलावा और कुछ काम किया नहीं, किसी बड़े मतलब अपराधी को पकड़ा नहीं, गर्रा पहलवान को कौन? कहां, यही तो बता रहा है तुमको, वो छोड़ के चला गया, फालतू की बातें कर रहे हो, कुछ ऐसा है नहीं छपने को तुम्हारे लिए, हमसे मत कहना, हम बहुत रिक्वेस्ट करके बुला लाए थे इसको। तुम अच्छा देख रहे, आदमी की क्वालिटी नहीं देख। अरे दादा, हमें लग रहा अम्मा के हाथ के आलू के पराठे ज्यादा पेल ले।
जैन साहब, ना ना हम तो थाने के पास पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल, अरे आप पलकें झपकाओगे कि हम आपको जैन करेंगे। आ रहे आ रहे आ रहे। अरे दादा भाग भाग, अबे अबे जोर से भाग, अबे रुकना मत, अबे गड़बड़ हो जाएगी, भाग। साहब आएगा, साहब आएगा। रेशम पला आओ। जैन सर। रेशम पला आओ का। सर आप आ गए सर। सर मैं आपके लिए चाय लेके आऊं। अरे चाय वाय नहीं चाहिए। चाय समोसे सर। अरे समोसा भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं सर। हट तो। अरे दादा कौन है अंदर? कौन है बदतमीज? रेशम पला। जहन साहब हम हैं हप्पू सिंह। अरे बाद में बात करेंगे, जाओ यहाँ से। अबे न जा सकती साहब, इमरजेंसी है, पेट में गुड़ 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 हो रही। अरे मैं खुद इमरजेंसी में फंसा हुआ हूँ, मैं नहीं आ सकता, जाओ यहाँ से। ऐसा जुलम ना करो साहब। देखो देखो सीनियर को फर्ज होते हुए जूनियर की मदद कर, वो अबे हमारी हालत खराब है दादा। सीनियर होने के नाते मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, गेट आउट। नहीं साहब अभी ना जा सकते। खोलो दरवाजा, खोलो, एक मिनट के लाने बाहर आ जाओ। अरे मैं बाहर आ सकता तो अंदर ही क्यों जाता? अरे ऐसा ना कहो साहब, हमने 15 ठगे पराठा पेल ले, घी लगे, बिल्कुल घी में चुपड़े, हालत खराब है। मैंने 30 पूरियां खाई है, वो भी मैदे वाली। मैं मैदे वाली खाई साहब, बस तो पेट सूखते है, आपको गीलू गीलू मामलू कैसे होगा? अरे बासी पूरियां थी, श्रीमती जी ने गुस्से में खिला दी। साहब हमारी बात समझो, हमने कहा है कि पराठे के साथ साथ 2 कटोरी मलाई भी पेल ली थी। अपना टाइम वेस्ट मत करो, मैं बाहर आने की हालत में नहीं हूँ। अपो साहब हमारी बात समझो, कसम से कह रहे हैं हमारे पेट में सैलाब आ रहा है, अगर 10 मिनट रोके कसम से कह रहे थाने की इज्जत बह जाएगी। अरे अपना सैलाब कहीं और ले जाओ, मैं बाहर नहीं आने वाला, समझे? गेट आउट। अरे दादा बेल्ट खोलने के टाइम पे बेल्ट बांधने पड़ रहा। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। हाँ बोलो। एक्चुअली मेरे एक दोस्त है, उसका रिश्ता आया, शादी होने वाली है, पर वो शादी करना नहीं चाहती, और मुझे भी रिश्ता तोड़ना है, तो कोई रास्ता बताइए, कोई उपाय बताइए। उपाय? हाँ हाथ दिखा। बहुत खुरदरा हो रहा है तेरा हाथ। पंडित जी अभी तेल छोड़िए, उपाय बताइए। बेटा एक बात तो मैंने साफ साफ देख ली है, तेरी जो दोस्त है उसकी शादी नहीं होने वाली, टूट जाएगी, और वो रिश्ता तू ही तोड़ेगा। मी? Oh my God, मी ब्रेकिंग द रिश्ता? कैसे तोड़ूंगा मैं? वो तो पता नहीं, लेकिन तोड़ेगा तू ही। आपको तो पता होना चाहिए ना मैं रिश्ता तोड़ूंगा, कैसे तोड़ूंगा, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो उपाय होगा ना। बेटा मैं ज्योतिष हूँ, कोई भगवान नहीं जो गारंटी ले लूं। जब मैंने बोल दिया रिश्ता तू तोड़ेगा तो मतलब तू ही तोड़ेगा, रिश्ता टूट जाएगा। She's Appu. Where's she going? Just a minute. Arey dada. अब हल्कू हल्कू लग रहो। हेलो, क्या कह रही? अच्छा बच्चन की फरमाइश है कि जयप्रकाश कहाँ से रबड़ी ले आए? अरे उन्हें समझाओ ज्यादा रबड़ी ना खाओ, दिक्कत हो जाती है बाद में। अच्छा ठीक है, ले आएंगे रबड़ी। ओके ओके ओके, रबड़ी ज्यादा ना खाओ दादा। थैंक यू पंडित जी और दक्षिणा, रिश्ता टूट गया। थैंक यू पंडित जी।